वेलकम टू खनपलांग विलेज और यही मिजोरम और मामित डिस्ट्रिक्ट का और दीदी के घर से अभी छो के निकल रहा हूँ हम लोग जो मिजोरम को क्या बोलते हैं, हम लोग मिजोरम बोलते हैं। उन लोग क्या बोलते हैं पता है? मिजोरम मतलब गाइस व्यू देखो, व्यू ही व्यू, क्या बताऊँ गाइस। मतलब आनंद बाजार से निकलने वाला हूँ अभी, यहाँ पे कंचनपुर से लेके जो मोनुगा तक, मतलब हम लोग बारिश से बिक गए तो सब कपड़ा वगैरह बिक गए हूँ। ऑलराइट गाइस, और हम लोग अभी जो जानते हूँ या क्या करेक्टली मुझे नाम पता नहीं, और हम लोग अभी ऑलरेडी टाइम 10 o'clock ऑलरेडी हो चुके हैं। और हम लोग सुबह से जो जम्पू में ही ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट करने का अभी ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, बहुत भूख लगा था। हम लोग यहाँ पे आइटम भी अलग तरह का होते हैं, हम कभी भी ऐसा वाला आइटम खाया नहीं, लेकिन यह है सूप और यह है मिर्ची बहुत। ऑल राइट गाइस, हम लोग जो जा मुकलोंग विलेज से अभी निकल रहा हूँ टिफिन करके। और गाइस और एक बात बताऊँ, जो मतलब जो साउथ एरिया में, जो त्रिपुरा का साउथ एरिया में जो हम लोग टिफिन करके मिलते हैं, रोटी तरकारी और पूरी तरकारी, मतलब इस सब खाने के लिए मिलते हैं। और जब हम लोग जम्पोई में आके, मतलब रोटी तरकारी वगैरह खाने के लिए मिला ही नहीं गाइस। और जो राइस फ्राइस और अंडे और कुछ सामान वगैरह है और इस सब भी मिलते हैं गाइस। हम लोग जो मिजोरम को क्या बोलते हैं, हम लोग मिजोरम बोलते हैं। उन लोग क्या बोलते हैं पता है? मिजोरम मतलब प्रोनाउंसिएशन में अलग टाइप का होता है और सुनने में बहुत मज़ा आता है गाइस। हम दो दिन बार मतलब बोल के सुनते हैं गाइस। ये है कम्पोई विलेज। ओह माय गॉड गाइस, देखो ये है लोकल ट्रैक्टर करने। और हम लोग अभी जो खनपलांग विलेज आ चुके हैं। और गाइस ये है आनंद जाने का रूट। और आप लोग इधर पे देखोगे, ये है कम्पोई और यहाँ पे है जो मिजोरम जाने का, यहाँ पे एक बूट है। वेलकम टू खनपलांग विलेज और ये है मिजोरम और मामित डिस्ट्रिक्ट का। गाइस व्यू देखो, व्यू ही व्यू, क्या बताऊँ गाइस। इतना सारा हिल, इतना सारा बारा तारा मारा सारा गादरा। ऑल राइट गाइस, फाइनल हम लोग अभी फाइंकाहाम और यह है गछिरम पारा खकसंगा एडीसी विलेज। गाइस ये है आनंद जो बाजार का जो मार्केट, अभी मंडे है, मंडे में यहाँ पे मार्केट ही चलते है गाइस। देखो बहुत बढ़िया से मतलब अभी बिक रहे हैं जो सामान वगैरह। यह है आनंद बाजार का जो शॉपिंग मार्केट, बहुत वैरायटी का अलग अलग टाइप का होता है यहाँ पे। गाइस हम लोग फाइनली जो मतलब आनंद बाजार से निकलने वाला हूँ अभी, यहाँ पे विजिट कर चुके और जो देखने को अभी देख लिया। और अभी निकल रहा हूँ डायरेक्ट, बहुत दूर था घर में जाने का, अभी भी पहुँचने वाला नहीं। यहाँ पे ऑलरेडी 1:48 हुआ है। और भी ऑलराइट गाइस, ये है जो कंचनपुर और हम लोग अभी खाना बना खा चुके हैं और अभी निकलने वाले घर की तरफ। और गाइस देखो बारिश भी आने वाला है अभी। गाइस अभी पास बजने वाला है कंचनपुर से लेके जो मोनुगा तक, मतलब हम लोग बारिश से बिक गए तो सब कपड़ा वगैरह बिक गए हूँ। और अभी थोड़ा ड्रेस चेंज कर लेता हूँ, बहुत ठंडे लग रहे हैं अभी। गाइस ये है जो नेशनल हाईवे 8 जो हम लोग अभी अनबासा आ ही रहा, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो गया। और क्या करें गाइस, किस्मत ही ऐसा होता है। अभी ऑलरेडी 6 o'clock होने वाला है, तो हम लोग सोचा था अम्बासा में थोड़ा छोड़ के जाऊँ, तो अम्बासा में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गाइस। गाइस ये नज़ारा देखो, कितना प्यारा सा लाइटिंग, जो भरी का लाइट, इतना ट्रैफिक, इतना ट्रैफिक, फिर भी जो हम लोगों का तो बाइक ही है, इसके लिए अभी थोड़ा मतलब बाइक्रास करके जाता हूँ साइड में, क्योंकि हम जल्दी जल्दी पहुँचना था। अभी ऑलरेडी 6:07 होने वाला था और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम होने के बाद अभी गाइस जाम ही जाम ख़त्म नहीं होते गाइस। जितना हो सके इतना जाने के बावजूद भी और भी जाम, और भी ट्रैफिक जाम गाइस, जाम में फंस गया साला। गाइस मेरा सब्सक्राइबर को थैंक्स बोलना चाहता हूँ, जो भी हमको मदद किया गाइस, हम लोगों को इतना मदद किया जो हम लोगों का सब्सक्राइबर का भी उम्मीद नहीं किया था गाइस। हम लोग जहाँ पे भी जाओ इधर पे सब्सक्राइबर मिल जाते हैं और यहाँ पे ही छोड़ जाते हैं गाइस, रहने का सोने का कुछ पारा नहीं लगते गाइस। गाइस फाइनली हम लोग अभी आ चुके हैं अम्बासा बाज़ार, ये है जो अम्बासा का सिटी। और गाइस दीदी को मतलब थैंक्स बोलना चाहता हूँ, क्योंकि दीदी एक लड़की होके, जो एक मेरा सब्सक्राइबर होके हमको मतलब चाहता है, हमको प्यार करते, मतलब जो
जो शादी करने वाला वो प्यार नहीं गई, मतलब हमको अच्छा लगता है और हम अभी दीदी के घर में जाके सोने वाले गए। थैंक यू दीदी, और आप है और आप लिए हम लोग अम्बासा में रुकना पड़ा, वरना इधर से लगभग घर में जाने का हम लोग 11 12 एक दो भी बज सकते। गाइस गुड मॉर्निंग एवरीवन, और दीदी के घर से अभी सो के निकल रहा हूँ हम लोग।